दिन के 4 बज चुके हैं और यहाँ पे जो है ना अभी अभी वो अंकल गंदम का बीज वो फेंक के जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी अभी जो है ना उन लोगों ने किया जी गंदम कष्ट। ये सारी जो है ना ज़मीनें बननी पड़ी हैं, इनमें गंदम भी कष्ट हुई पड़ी है। आपको बताया पहले भी धान ख़त्म हो चुके हैं और अब गंदम कष्ट होनी है और चारे में बरसन कष्ट होनी है, तो यहाँ पे भी गंदम कष्ट हुई पड़ी है। तो कौवे देखें जी कैसे जो है ना उसे निकाल रहे हैं, जो बीज भी उन लोगों ने गंदम फेंकी है ना उसे वो चुन रहे हैं। माशाल्लाह मौसम जो है ना वो बिल्कुल साफ़ सुथरा है और बहुत ही हसीन मौसम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है, और हमारी दुआ हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें हंस मुस्कुराते रहें। और इसी ने एक दुआ के साथ आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो माया पड़ा जी धान जो झाड़ू जो है ना वो अभी मैंने सब लगाए हैं झाड़ू। तो यहाँ पे आप लोगों ने अभी चाय बनाई तो इसलिए थोड़ा सा किचन ख़राब हुआ पड़ा, वरना मैं सारी सफाई की थी। और इधर चेक करें मेरे बर्तन जो है ना वो मैंने अभी यहाँ पर रखे, मैंने कहा जल्दी जल्दी व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। तो अभी जो है ना मैं इन्हें धोने के लिए लेके जा रही हूँ, तो काफ़ी मक्खियों ने जलील किया। तो आज जो है ना हमारे पास लाइट भी नहीं है और काफ़ी मुश्किल है। तो बर्तन जो है ना आपको बताया मैंने आपको वहाँ से आप चीज़ दिखा के, और अभी मैं बर्तन उठा के यहाँ पे लाई हूँ। तो अभी जो है ना मैंने कहा पहले बर्तन धो लेते हैं तो फिर जो है ना जाकर सब्जी बनाएंगे। ये दोपहर के जो है ना चाय बनाई थी, इस वजह से जो है ना ये बर्तन बने हैं। ऐसा ना ईमान, ईमान मैं तो शादी पर गया हुआ था, यहाँ पर कौन से मेहमान आए थे कि घर के लिए बनाई थी। तो अभी जो है ना मैं धो रही हूँ गेज की, तो आपको बताया कि हमारे पास लाइट नहीं है, बाकी सारे बर्तन तो मेरे शुगर धो के, लेकिन जब आखिरी गेज की रह गई थी ना तो तब हमारा टूटी का पानी खत्म हो गया और लाइट जो है ना वो अभी तक नहीं आई। तो इसलिए मेरी अम्मी जान को कहा कि आपने पानी भर के लाए, तो वो सारे शुगर से जो है ना वो पानी भर के लाइए। इधर से पानी ख़त्म हो गया इसलिए बाल्टी में पानी भरा पड़ा है। जब बर्तन वगैरह धोना होगा ना यहीं से भी धो लेंगे। तो बर्तन जो है ना वो हमने लिए जी दो। तो अभी जो है ना मैं काट लूँ जी सब्ज़ी। तो आज ना हम पूरे एक हफ्ते के बाद सालन बना रहे हैं, जब से हमारा मिलाद हुआ है ना उसके बाद जो है ना हमने सालन बनाया भी नहीं है। कभी किसी चीज़ के साथ खा लेते थे, लेकिन अभी अभी आपको पता भी है कि हम कितनी बड़ी फैमिली है, लेकिन फिर भी एक हफ्ता हमने सालन नहीं बनाया। तो आज जो है ना सब हैरान हो रहे हैं कि पूरा एक हफ्ता हो गया और हमने जो है ना सालन नहीं बनाया। तो आज जो है ना पता नहीं आज भी बनाते या नहीं, तो लेकिन जो है ना यहाँ से अभी सब्ज़ी वाला जो है ना अंकल वो गुजरे हैं, तो अम्मी जान ने कहा कि आप जो है ना सब्ज़ी ले लें, पूरा एक हफ़्ता हो गया और सालन को देखा भी नहीं है। तो इसलिए आज जो है ना हमने कहा कि आलू पालक बना लेते हैं। ये न्यू आलू है ना, तो इसीलिए इसकी जो है ना छिलाई ऐसे करके की जाती है जैसे गाजरों की जाती है, वो जो पुराने आलू होते हैं ना उसकी भाई ऐसे छिलाई जो है ना वो की जाती, सारा निकाला जाता है। लेकिन इन पे जो है ना मिट्टी वगैरह नहीं होती, तो इनकी छिलाई ऐसे ही होती है जो है ना। माशाल्लाह से मैं आ गया था घर वापस, और ईमान का जो है ना वो उधर घर का काम कर रही है, और अम्मी जान ने भैंस का दूध तो ना, तो अम्मी जान ने कहा कि कट्टी जो है ना वो छोड़ दें, कट्टी जो है ना वो मैंने छोड़ दी है जाओ। तो ये जो है ना अभी अपनी मम्मा का दूध पिएगी थोड़ा सा और फिर जो है ना हम छोड़ लेंगे ना, वो हम धो लेते हैं और दो जो है ना उसकी बेटी वो खुद पी जाती है। आज जो है ना हमें हर चीज़ की तंगी हुई खड़ी है, क्योंकि हमारे तो लकड़ी की तो हमें कब से है पानी की आस हुई है, क्योंकि आपको पता लाइट नहीं है और अभी तक लाइट आई भी नहीं। कहते हैं 4 बजे हैं लेकिन 4 बज चुके, 5 अब बजने वाले हैं और अभी तक जो है लाइट नहीं आई। तो हमारे पास जो है ना लकड़ी नहीं है,
इतनी मुश्किल से नीचे से ये निकाला, खुश्क लकड़ी निकाली है जो है ना, अभी मैं काट रही हूँ और बर्तन वगैरह धो के और सब्जी धो के मैं अभी वहाँ पे रख के आई हूँ। इधर का लकड़ी काट के आऊँगी चूल्हे पे जाना, वो एक लकड़ी नहीं है जिससे आग जल जाए, यहीं से काट के लेके जानी है सब्जी रखी ऊपर जाने सामने रखो। सालन वो मैंने ऊपर रख दिया है, हर चीज़ अपने पास रख लिया है और आग वगैरह जला के जाना ऊपर सालन मैंने रख लिया है और घी जो है ना मैंने उसके अंदर डाल दिया। सब्जी वो मैंने इसके अंदर डाल दिया, मसाला हमारा बन गया था, सब्जी में वो डाल के और मैंने इसे मिला दिया। तो माशाल्लाह सालन जो है ना वो हमारा हो चुका जी तैयार अब पालक का, तो अभी जो है ना हम इसे बताते हैं। तो जल्दबाजी में जो है ना मैंने आटा गूंदा है, तो ऊपर जो है ना जो भी देते हैं मेरी सिंगेर वगैरह कंदूरी जो है ना वो अभी तक नहीं दी है, अभी उठा के लाती हूँ और देखती हूँ, क्योंकि अभी तो रोटी में नहीं आटा मैंने इसीलिए अंदर नहीं रखा। और सालन जो है ना वो हमारा बन चुका है, इसी जो है हम उतार लेते हैं। तो माशाल्लाह मौसम देखे जी बिल्कुल अभी शाम हो चुकी है, तो ऐसे लगता है जैसे दिन हुआ हुआ है, तो माशाल्लाह मौसम जो है वो बिल्कुल साफ सुथरा है। तो अभी से जो है ना वो नमी पड़नी शुरू हो चुकी है और सुबह टाइम तो आप देखो तो हैरान हो जाए, इतनी नमी होती है ना भाई, धुंध इतनी पड़ती है कि घर में भी कोई जो है ना बंदा आ रहा हो या जा रहा हो वो दिखाई नहीं देता। सुबह टाइम जो है ना सुबह की जो रूटीन है हमारी वो भी इंशाल्लाह ताला आपसे बहुत ही जल्दी शेयर करेंगे। सालन जो है ना वो हमारा तैयार हो गया था, और तवा जो है ना वो मैंने इसीलिए थोड़ा जल्दी डाला क्योंकि हमारा तवा जो है ना गर्म होने में काफ़ी देर लेता है, तो आग जाया जा रही थी, आपको पता लकड़ी कितनी महंगी है, तो इसलिए मैंने जो है ना तवा पहले ही डाल दी। तो रोटी जो है वो मैंने ऊपर डाल दी है, बनी भी जो है छोटी सी है।
माशाल्लाह अभी जो है ना रोटियाँ वो मेरी बन चुकी हैं, सालन भी बन चुका है और अभी खाई नहीं है बस। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया, अगर आपका व्लॉग पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा और साथ ही अच्छे से कमेंट भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।